हिंदू समाज पार्टी ने अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए बिहार चुनाव में उतारा अपना प्रत्याशी। विश्व हिंदू रक्षा संगठन और हिंदू समाज पार्टी का हुआ विलय। बिहार के मधेपुरा सीट से सुमित्रा नंदन स्वामी लड़ेंगे चुनाव। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद पार्टी का अस्तित्व आ गया था खतरे में। अब इसकी पुनर्निर्माण करने के लिए इन्होंने बिहार चुनाव से अपना आगाज करना किया शुरू। कमलेश तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कमलेश तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किरण कमलेश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर सावरकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाथूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप भी खड़े हो, आप भी खड़े हो, आप भी खड़े हो। आप भी पहना दीजिए, हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए। उन्होंने मुझे बिहारी में विधानसभा से अपना प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाई है। इसके लिए मैं पूरे हिंदू समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछा कि वहाँ का क्या रणनीति है, तो वहाँ का रणनीति है कि हमारा काम हिंदू संगठन का जो है, हिंदू को एकता को बढ़ाना है और हिंदू का साथ हिंदू का विकास का नारा जो हम लोग चलाते हैं, सबका साथ सबको तोड़ते हुए हम लोग हिंदू का साथ हिंदू का विकास का नारा है। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र में हुआ लूट की घटना का अनावरण। सुनार से हुए लूट के सारे गहने हुए बरामद। सीसीटीवी में कैद हुआ था सारा मामला। अतरसुइया थाना एवं क्राइम ब्रांच की टीम की मिलीभगत से इस घटना का हुआ अनावरण। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हुए और सारा ज्वेलरी बरामद किया गया। सुनार जो अपने दुकान से घर वापस आ रहा था, उसको अतरसुइया थाना क्षेत्र में मारपीट करके उसकी ज्वेलरी और कैश छीन लिया गया था। इस मामले में कुल 5 अभियुक्त, जिसमें एक लेडी भी शामिल है, ये प्रकाश में आए थे, जिसमें से 4 को जेल भेजा जा चुका है। उससे कैश की बरामदगी हुई थी, लेकिन जो ज्वेलरी है वो पूरी ज्वेलरी एक जो 5वां अभियुक्त है इसके पास थी और वो लगातार फरार चल रहा था। हमारे थाने की और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको फॉलो कर रही थी और इसी क्रम में आज 5वें अभियुक्त को, आशीष भारतीय को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पूरी ज्वेलरी जितनी भी लूट में गई थी 100% बरामदगी की गई है। लगभग 3.5 लाख रुपये मूल्य की सोने चांदी की ज्वेलरी है ये, और अब इसमें फिलहाल कोई अभियुक्त शेष नहीं है। रेलवे की पहल से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रेलवे के डब्बों और दरवाज़ों तथा टॉयलेट्स आदि को सुरक्षित करने के लिए स्टीम जेट क्लीनिंग सिस्टम की हुई शुरुआत। इससे शीशे और दरवाज़ों और या टॉयलेट के नॉब्स को छूने के बाद जो वायरस फैलने का खतरा रहता है उससे बचाव होगा, तथा इस स्टीम जेट क्लीनिंग से 35 डिग्री के तापमान पर शीशों की होती है सफाई, जिससे किसी भी प्रकार का वायरस उसमें नहीं टिक पाएगा और वह पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ रहेगा। प्रत्येक NCR के प्रत्येक स्टेशनों में इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द सभी गाड़ियों की सफाई रहे और कोरोना वायरस जैसी की वायरसों से रेलवे के यात्री सुरक्षित रह सके।
वॉश का ऐसा कोई अलग से सिस्टम नहीं है। जो रेलवे में टॉयलेट्स होते हैं और जो बाकी चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़ी गंदगी या संक्रमण का खतरा रहता है, उसको इन जनरल एक स्टीम से सैनिटाइज करने की व्यवस्था, मैकेनाइज कोच क्लीनिंग जो हम बोलते हैं, उसमें हर जगह कोच को साफ़ करने के लिए लागू रहती है। अभी चूंकि कोरोना वायरस का एक संक्रमण का एक भय बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको और सेंसिटाइज किया गया है। जो हमारे स्टाफ वगैरह करते हैं, जो सुपरवाइजर्स देखते हैं, इसको सेंसिटाइज किया गया है और उसको काफ़ी इंटेंसिवली किया जा रहा है। तो जितने भी कोचिंग डिपो हैं उत्तर मध्य रेलवे पे, चाहे वो प्रयागराज में हो, कानपुर में हो, ग्वालियर, झांसी, आगरा, इन सभी जगहों पे जो कोच डिपो हैं उसमें कोचेस को ये जो एरिया है जहाँ पे संक्रमण का थोड़ा भय रहता है उनको स्टीम से क्लीनिंग की जा रही है, तो इसको इंटेंसिफाई किया गया है। का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि ये मैकेनाइज कोच क्लीनिंग का ऑलरेडी पार्ट है। बट यस, नेचुरली इस समय थोड़ा सा कोरोना का जो एक संक्रमण रोकना है सबको मिलजुल के, उसमें रेलवे भी उतनी ही सहभागी है, तो उसको इंटेंसिफाई किया गया है। अभी फिलहाल इसी स्केल को मेंटेन किया जाएगा और बाद में जैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री की और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहेंगी, एक बार जब कंट्री इस खतरे से पार पा जाता है, जो भी मतलब संक्रमण को हम रोक पाते हैं उस पर रिव्यू किया जाएगा। बट ये जो नॉर्मल क्लीनिंग का प्रोसेस है, जितना हम स्टीम क्लीनिंग करते हैं, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के नया कटरा कन्हैया लॉज के पास एक बुलेरो गाड़ी में अचानक लगी आग। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। देखते ही देखते गाड़ी में भयानक आग लग गई और वह धू-धू करके जलने लगी। आसपास के स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर पाया काबू। बाराबंकी के सफदरजंग थाना क्षेत्र में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर लगी कार में आग। आग देखते ही देखते आग में आग लग गई और डिवाइडर से टकराते हुए गाड़ी सीधे नीचे हाईवे से उतर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग बाल बाल बचे। थोड़ी बहुत चोट लगने के कारण उनको तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन किसी के जानो माल की नुकसान नहीं हुआ है। आग में गाड़ी में आग क्यों लगी, इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने प्रतापगढ़ के चौक क्षेत्र में बचाव के लिए मास्क बांटे। इसके अलावा दिशा निर्देशन देते हुए बचाव के लिए किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उस विषय पर छपे हुए पर्चों का भी वितरण किया और लोगों को इस विषय में जागरूक किया। आज हम सारे पदाधिकारी लोग अपने कार्यालय से निकलकर कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक किया। हम लोगों ने हैंड बिल बांटे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग मास्क भी बांटे हैं। अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि हम इससे कैसे निजात पाएं।